में इस एक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कानून है कि अगर कोई विदेशी औरत किसी भारतीय आदमी शादी कर ले तो उस औरत को नागरिकता मिलती है। सोनिया गांधी के यहाँ नागरिकता घर पहुँचा दी गई, और मैं ऐसी एक दर्जन औरतों को जानता हूँ तो जिसको ये चाहते थे उसको नागरिकता उसके घर पहुँचा देते थे, और जिसको नहीं देना चाहते थे उसको नहीं देते थे। अब तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है कि 70 साल में कई मुसलमानों को नागरिकता मिली है। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व लोकसभा सांसद इलियास आदमी साहब। इलियास आदमी साहब, आपने जब CAB आ रहा था उस वक्त पार्लियामेंट में, तो आपने कहा था कि हर भारतीय को इसका विरोध करना चाहिए और जो जान जाएगा इस एक्ट का विरोध करेगा। लेकिन अब जब एक्ट पास हो गया है तो मुल्क की यूनिवर्सिटियों समेत पूरी दुनिया में इस एक्ट को लेकर के विरोध हो रहा है। असल में इस एक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये पोलराइजेशन की नीयत से लाया गया है। पहले भी भारत सरकार जिसको चाहती थी नागरिकता देती थी, और जिसको नहीं चाहती थी नहीं देती थी। कानून है कि अगर कोई विदेशी औरत किसी भारतीय आदमी शादी कर ले तो उस औरत को नागरिकता मिलती है। सोनिया गांधी के यहाँ नागरिकता घर पहुँचा दी गई, और मैं ऐसी एक दर्जन औरतों को जानता हूँ जो पैदा भारत में हुई, माँ बाप के साथ पाकिस्तान गईं, शादी उनकी फिर भारत में हुई। ऐसी औरतों को हर साल साल दो साल के बाद पुलिस जेल पहुंचा देती थी। और जब मैं MP बना तो मैंने कोशिश की कि उनको नागरिकता मिल जाए, लेकिन जब मैं समझ गया कि नागरिकता नहीं मिलेगी तो उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा दिलवाया। अब उसमें कि शायद कोई बची हो, तो जिसको ये चाहते थे उसको नागरिकता उसके घर पहुंचा देते थे, और जिसको नहीं देना चाहते थे उसको नहीं देते थे। अब तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है कि 70 साल में कई मुसलमानों को नागरिकता मिली है। आदमी साहब, सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि जिसको सरकार चाहती थी उसको नागरिकता घर देती थी, तो फिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों आई? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी समझ में सिर्फ इतना आ रहा है कि उसकी ज़रूरत ये थी कि मुल्क में अफरा तफरी फैले, हिंदू मुसलमान का सवाल खड़ा हो, और हिंदू कहा जाने वाला, हिंदू तो मैं मानता हूँ सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, हिंदू कही जाने वाली अक्सरियत को खौफ में मुब्तला करके पोलराइज किया जाए। RSS खौफ की पैदावार है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो जिस तरह से भारत का हिंदू बल्कि पूरी दुनिया की आवाम CA के खिलाफ खड़ी हुई है, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के बच्चे खड़े हुए हैं, तो आपको नहीं लगता नहीं कि ये चीज़ फेल हो चुकी है? मैं समझता हूँ कि मैंने वेंकैया नायडू जी को पत्र लिखा है, उसमें ये लिखा है कि पोलराइजेशन की नीयत से आप लाए थे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ पोलराइजेशन की जड़ बन जाए, बुनियाद बन जाए। और एक पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें गिरता है, ये शायद इसी उसी में गिरेंगे। कुछ लोग, आदमी साहब, ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि जो प्रस्तावित NRC है, जो मौजूदा NRC है, उसको CAB से जोड़ा जाएगा, NPR उससे पहले किया जाएगा, और भारत में फिर एक अफरा तफरी का माहौल होगा, लूटमार का बाजार गर्म होगा। क्या आपको इस खदशे में कितना सच्चाई नजर आती है? सरकार कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आसाम जैसा NRC हुआ, एक नए पूंजीपतियों का जो सरकारी मुलाजिम होंगे वो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका 5,000 से कम खर्च हो, जायज़ खर्च भी 10,000-5,000 का एवरेज पड़ेगा हर परिवार का, जिसे मेरा परिवार है। कोई दिल्ली है, कोई आजमगढ़ है, कोई लखनऊ है, कोई बम्बई है, तो सबको कम से कम एक बार तो आजमगढ़ का सफ़र करना ही पड़ेगा, कम से कम, हो सकता है 4 बार करना पड़े। तो कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जो जिसका 5,000 से एवरेज में कम खर्च हो,
और ऐसे भी परिवार होंगे जिनका लाखों में खर्च होगा, जिनके पास पैसा होगा वो चाहेंगे कि फिर ना आना पड़े, खर्च हो जाए 50,000। लेकिन आदमी साहब, जिस तरह से पूरी दुनिया ने स्टैंड लिया है, अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया, इवन कैलिफोर्निया, सिंगापुर, जिस तरह से पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, उसके बावजूद सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की फिक्र करिए, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके लिए मार्च करें। पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की तादाद 1,000-2,000 है, जिनको नागरिकता मिलनी चाहिए दे दें नागरिकता, हम वेलकम करेंगे। हमको अंदेशा ये है कि कल बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू आबादी है, कहीं पूरी की पूरी आ गई या सामान नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या होगा यहाँ का? क्या देश की फिक्र श्री मोदी जी और अमित शाह की जिम्मेदारी है कि सबकी है? उनको तो वोट की फिक्र ज़्यादा रहती है हर वक्त, लेकिन जो लोग देश की फिक्र करते हैं वो ये सोच सकते हैं। पाकिस्तान में एक साल पहले गया था, मैं नहीं समझता कि गांव में कुछ गरीब वरीब होंगे परिवार जो शायद आ जाएं, इसलिए कि मुझको लगा कि वहाँ के हिंदू काफ़ी मुतमईन हैं, और मुतमईन होना भी चाहिए, इसलिए कि उनकी कहीं इतनी आबादी नहीं है कि एक एमपी एमएलए जीत जाए। तो उन्होंने आबादी के अनुपात से नुमाइंदगी भी दी है, 5 MP हिंदू होते हैं पाकिस्तान में, और 5ों को पाकिस्तान भर के हिंदू मिलके चुनते हैं। इलेक्शन जब हो जाता है तो क्या नाम है, उनकी नुमाइंदगी आबादी के अनुपात से हिंदू, ईसाई, सिख और कादियानी, इनकी एक एक दो दो सीटें हैं, हिंदुओं की 5 सीटें हैं। उस पर एक बार इलेक्शन फिर से होता है और उसमें मुसलमान वोट नहीं दे सकता, ताकि मुसलमानों को वोट से जीत के जाएंगे तो मुसलमानों की गाएंगे। जैसे यहाँ की शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, उसका एमपी कभी भी शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करता करेगा, इसलिए कि वो जीत के गया है दूसरों के वोट से, मुसलमानों के, अपर कास्ट हिंदुओं के, बैकवर्ड के वोट से जीत के गया है, और शेड्यूल कास्ट वोट कई जगह बटा है, इसलिए सभी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट होते हैं। वहाँ 5 हिंदू जो चुने जाते हैं वो सिर्फ हिंदुओं के वोट से चुने जाते हैं, अगर वो हिंदुओं के हित की बात नहीं करेंगे तो दोबारा जीतेंगे नहीं। ख़ास तौर से मैंने, जिसको पता लगा कि ये हिंदू परिवार है, तो मैंने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी कोई परेशानी है ही नहीं, अलावा इसके कि लड़के लड़कियां सब एक कॉलेज में पढ़ते हैं और हमारी लड़कियां किसी मुसलमान लड़के से अफेयर हो जाता है तो वो चली जाती हैं, उससे हमारी हमारे कम्युनिटी में लड़कियों की तादाद घट रही है। तो हमने कहा ये तो प्रॉब्लम ऐसा है कि भारत में तो पता ही नहीं कि कौन किस हिंदू की मुसलमान लड़की से शादी होगी और किस हिंदू लड़की की मुसलमान लड़के से होगी। भारत में भी ये है, समस्या नहीं है, ये तो इंसानी फितरत है। जब कोई एजुकेशन होगा, एक साथ नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ेंगे, तो मुसलमान लड़की हिंदू के साथ जाएगी, हिंदू लड़की मुसलमान के साथ जाएगी, कुछ न कुछ जाएंगी। इसके अलावा उन लोगों ने बताया कि कोई प्रॉब्लम हमारा है ही नहीं।